गुड मॉर्निंग दोस्तों, और रात में यहीं रुक गया था। अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे हम, और मेरे भैया साथ में हैं। तो हम लोग टहलने के लिए गए थे उधर कि कोई टी स्टॉल वगैरह मिल जाए, चाय वाय पी के आते हैं। पास में ही है, वहीं चाय पी लेते हैं और दीदी उनको भी पिला देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों गए थे होटल पे छोले भटूरे पैक कराने के लिए। ये देखिए पैक करा लाए हैं और वहाँ देते हैं दीदी को, उनके साथ में बैठ के खाते हैं, उसके बाद में घर के लिए निकलते हैं। और धीरे धीरे 10 बज गया है, 10:30 का टाइम हो रहा है। अब लगभग 3-4 घंटे लगेंगे बाइक से हमको अपने पलिया पहुँचने में। चलो चलते हैं आगे। देखिए बहुत ही अच्छा इस समय मौसम है और धूप बहुत अच्छी निकली, जबकि कल बरसात बहुत तेज़ हो रही थी। देखिए जो डिवाइडर बने हुए हैं, तो फूल पौधे बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। और हम झूलेलाल चौराहा पे आ गए हैं, हमको अंदर जाना है इधर। ये देखिए श्री झूलेलाल द्वार है, इसी से अंदर जाना है। इधर ये रोड हॉस्पिटल ही रोड बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। अब पहुँच चुके हैं वहाँ पे हॉस्पिटल के पास। यो बताओ, इधर देख के बताओ, थकना रही हो? बहुत कहीं उस इधर उधर इधर उधर आ गया, खाना खा। दोस्तों अब निकल रहे हैं घर, क्योंकि लगभग 11 बज चुका है और घर पहुंचते पहुंचते 5-6 बज जाएगा, क्योंकि 4-5 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। और बाइक है हम लोगों पर, लंबा सफ़र है, तो धीरे धीरे घर को पहुंचते हैं। और जो भी रास्ते में व्यू पड़ेगा, जो भी अच्छी लोकेशन होगी, सब आप लोगों को शेयर करेंगे। ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। बहुत ही भव्य मंदिर है भोले बाबा का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सब कांवड़िए भाई लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। हाँ, कितना बड़ी मूर्ति है भोले बाबा की, बहुत ही सुंदर दृश्य है। पास में लेके चलते हैं, भोले बाबा के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ये हम लोग निकल रहे थे अभी रास्ते में, हमने देखा कि भोले बाबा की बहुत ही विशाल रूप में यहाँ पे मूर्ति है स्थापित की गई है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे, तो रास्ते में व्यू की तलाश भी थे, लेकिन यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन हो गए और बहुत ही विशाल मूर्ति भोले बाबा की देखने को मिली। हाँ, आप बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। गाइज हम आ चुके हैं मैलानी जंगल में, और यहाँ देखिए नहर कितनी भरी हुई है, बिल्कुल अभी बरसात हो रही थी और बरसात बंद हो चुकी है, इसमें हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए कितना भरा हुआ चल रहा है। और हम बस आधे घंटे में अपने घर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैलानी जंगल है, मैलानी जंगल में हम खड़े हुए हैं, अभी दिखा रहे हैं आप। ये देखिए मस्त व्यू है यहाँ का।
नज़ारा है, दूर तक देखिए नहर बिल्कुल फुल है। शारदा नदी इस समय देखिए उफान पर है, बहुत ज़्यादा पानी है। इधर का एरिया आप लोग देखिए,